हेलो फ्रेंड्स, रूबी झा के किचन में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे से हो, और रहना भी चाहिए, ठंड बहुत ज़्यादा है, आप लोग अच्छे से रहिएगा। और आज हम आप लोग के साथ बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल और बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेके आए हैं, तो आप लोग हमारे चैनल पर ज़रूर बने रहिएगा। और हमारे चैनल को आप लोग भूल जाते हैं सब्सक्राइब करना, तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोग सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट ज़रूर करके बताइएगा, अच्छा लगे तब भी और नहीं अच्छा लगे तब भी। और नीचे जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग मिल के बनाते हैं। तो आज क्या बनाएंगे? तो आज हम यूपी स्टाइल निमोना बनाएंगे। तो निमोना बहुत ही अच्छा लगता है, तो चलिए हम लोग मिलके बनाते हैं। और क्या क्या लेंगे तो वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए आप लोग हमारे साथ चलिए और मिलके बनाइए, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स, हम ये सब ले लिए हैं। तो यहाँ पर में देखिए, हम यहाँ पर में मटर ले लिए हैं, और थोड़ा मटर हम इस तरफ से रख लिए हैं। तो इसको हम क्रश करेंगे, इसको हम थोड़ा सा दरदरे टाइप में पीसेंगे और इसको हम बाद में डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हम दो आलू लिए हैं, बड़े साइज का आलू को हम इस तरह से काट लिए हैं। यहाँ पे देखिए, लंबे साइज में और थोड़ा सा मोटा है। तो अब चलिए पहले इसको हम साइड में रखते हैं और इसको हम क्रश करेंगे। यहाँ पे देखिए, चार हरी मिर्च ले लिए हैं, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा लिए हैं, और यहाँ पे हम थोड़ा सा धनिया की पत्ती ले लिए हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो इस जार में हम इसको डाल देंगे। इसमें थोड़ा सा मटर पहले से भी हम डाल के चेक कर रहे थे। तो अब देखिए, पीसने का झंझट खत्म, सिलबट्टा का झंझट खत्म, यहाँ पे मिक्सी का भी काम नहीं है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो इस तरह से हम मटर इसमें डाल लेंगे, और डाल के हम क्या करेंगे, तो इस तरह से इसको हम यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मटर था तो हम इसको चेक कर रहे थे। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम इस तरह से इसको हम यहाँ पे देखिए, इस तरह से हम चलाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम इस तरह से क्रश कर लिए हैं। यहाँ पे देखिए, तो इस तरह से यहाँ पे इसको साइड में रख लें। तो अब यहाँ पे देखिए, इस तरह से हम कर लिए हैं, तो बिल्कुल हमको इसी तरह का चाहिए। अब इसी के लिए अब हम मिक्सी लाते, मिक्सी में पीसते सिलबट्टा। तो यहाँ पे हम कोई सिलबट्टा कोई मिक्सी यूज़ नहीं किए हैं, तो हम इस तरह से देखिए हम इसको दर्रा कर लिए हैं। तो हमको इसी तरह का इसका हम इसको हमको बनाना है। तो चलिए अब इसको हम साइड में रखते हैं, और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो फिर से हम यहाँ पर में यहाँ पे हम फिर से क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, जो हम यहाँ पे धनिया पत्ती ले लिए हैं, थोड़ा सा हम धनिया पत्ती ले लिए हैं, और यहाँ पे छोटा सा टुकड़ा हम अदरक का ले लिए हैं, चार हरी मिर्च ले लिए हैं। तो अब हम साथ में इसको डाल देंगे और इसको भी हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे इसको भी हम क्या करेंगे, तो हम फाइन इसको नहीं पीसेंगे, इसको दरदरे टाइप में हम इसको इस तरह से क्रश कर लेंगे। तो चलिए हम इसको भी क्रश करके और यहाँ पे हम प्लेट में हम निकाल लेंगे। हम इसको भी अदरक और यहाँ पर में धनिया पत्ती और हरी मिर्च को भी हम अच्छे से यहाँ पे हम क्रश कर लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए, दरदरा में हम इसको भी हम पीस लिए हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, हम आलू और जो मटर लिए हैं, तो यहाँ पे मटर को तो हम फ्राई नहीं करेंगे, लेकिन आलू को हम सबसे पहले यहाँ पे हम देखिए आलू को फ्राई कर लेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले आलू फ्राई करें। तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम पैन चढ़ा लिए हैं, और सबसे पहले यहाँ पे हम ऑयल डालेंगे। तो यहाँ पे हम सरसों का तेल इस्तेमाल करेंगे, दो टेस्पून यहाँ पे हम सरसों का तेल डाले हैं। और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम आलू को अच्छे से पहले हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे हम डीप फ्राई नहीं करेंगे, यहाँ पे हम हल्का से इसको हम रोस्ट कर लेंगे। तो थोड़ा सा ज़्यादा ही हम रोस्ट करेंगे, तो आप चाहे तो इससे पतला भी आप आलू काट सकती हैं, लेकिन हम यहाँ पे इस तरह से आलू काट लिए हैं, इससे देखने में भी अच्छा लगता है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, तो इसको हम यहाँ पर हम इसको ढक के और छोड़ देंगे। तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम आलू को इस तरह से हम मिला लेंगे, चला लेंगे चारों बगल। और अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो इसको हम 2 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे। तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर में हम इसको हम देखिए इस तरह से हम फ्राई कर लिए हैं। तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, तो इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए, ये फ्राई हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए, बाकी जो होगा वो यहाँ पर ग्रेवी में हम पका लेंगे इसको। तो इस तरह से अब हम निकाल लेंगे।
और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हम इसको हम इस तरह से डाल के और इसको भी हम भून लेंगे। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे हम दो से तीन मिनट हम इसको भी भून लेंगे क्योंकि, और उसके बाद यहाँ पे देखिए जो हरी मिर्च और अदरक और धनिया लिए थे तो हम इसको भी इस तरह से साथ में ही इसको भी हम भून लेंगे। तो यहाँ पे हम 3 मिनट इसको भून लेंगे। इसका जो कच्चापन है वो कच्चापन हम इसको ऐसे भून के और यहाँ पे हम कच्चापन इसको निकाल देंगे। इस तरह से भूनने से क्या होता है, जो इसका कच्चापन है वो निकल जाता है। तो हम ज़्यादा नहीं इसको भूनेंगे, बस 3 मिनट हम इसको भून लेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये 3 मिनट हो चुका है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। इस तरह से देखिए हम प्लेट ले लिए हैं और हम इसमें निकाल लेंगे यहाँ पे। और अब यहाँ पे हम मसाला इसमें भूनेंगे, तो हम ज़्यादा मसाला इसमें ऐड नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक तेज़पत्ता, एक साबुत लाल मिर्च छोटा सा, और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम 1 टेस्पून तेल डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और अब हम क्या करेंगे, तो इसमें हम 1 टेस्पून जीरा डाल देंगे। जीरा को हम अच्छे से हम यहाँ पे हम पकने देंगे। तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा हम यहाँ पे सौंफ डाल देंगे। इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, ज़्यादा कुछ नहीं हम यहाँ ऐड करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे सौंफ डाल दिए हैं और अब हम अच्छे से इसको पहले हम पकने देंगे और ज़्यादा नहीं हम पकाएंगे। और अब इस जगह पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा मसाला ऐड करेंगे। तो मसाला में हम क्या लेंगे, तो यहाँ पे देखिए 1 टेस्पून हम धनिया पाउडर ले लिए हैं, 1 टेस्पून हम हल्दी पाउडर डालेंगे। तो हल्दी पाउडर हम यहाँ पे ज़्यादा नहीं डालेंगे। मीठी लाल मिर्च ले लिए हैं क्योंकि हरी वाली मिर्च हम पहले ही धनिया के साथ पीस चुके थे तो बहुत ज़्यादा तीखा हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे हम कलर के लिए क्या किए हैं, जो यहाँ पे हम कश्मीरी मिर्च डाल दिए हैं। और अब यहाँ पे हम देखिए कटा हुआ 2 टमाटो डाल दिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम सॉफ्ट होने देंगे। तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हम थोड़ा सा यहाँ पे अदरक को अच्छे से हम ग्राइंड कर लिए हैं, तो हम 1 टेस्पून डाल दिए हैं। और यहाँ पे 1 टेस्पून हम लहसुन पिसा हुआ डाल दिए हैं। और अब हम इसको अच्छे से पहले हम पका लेंगे। और इस जगह पे अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हम मटर ले लिए हैं, तो इस स्टेज पे हम मटर डाल देंगे। यहाँ पे साबुत मटर लिए हैं और यहाँ पे अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हम प्याज ले लिए हैं। प्याज ऑप्शनल है, आपको डालना है तो डालिएगा, नहीं तो मत डालिएगा। हम यहाँ पे थोड़ा सा डाल दिए हैं, इससे टेस्ट अच्छा आता है। तो यहाँ पे छोटा सा हम प्याज ले लिए थे और हम डाल दिए हैं, इसमें प्याज डालने की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा हम जीरा पाउडर डाल देंगे और यहाँ पे थोड़ा सा हम काली मिर्च डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम काली मिर्च ले लिए हैं, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा हल्का सा हम ये भी डाल देंगे, ज़्यादा नहीं। तो अब देखिए 1/2 टेस्पून हम यहाँ पर काली मिर्च डाल दिए हैं। और अब इस स्टेज पे हम नमक डालेंगे, तो नमक आप अपने हिसाब से डालिएगा। तो यहाँ पे नमक स्वाद के अनुसार डालिएगा। तो यहाँ पे 1 टेस्पून डाल दिए हैं, थोड़ा सा हम और डालेंगे। तो अब चलिए मसाला को हम 2 मिनट तक भून लें। तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये 2 मिनट हो चुका है। और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे आलू फ्राई किया हुआ हम आलू डाल देंगे। और अब यहाँ पे देखिए जो हम यहाँ पर में मटर भून के रखे थे, तो हम मटर भी डाल देंगे। और यहाँ पे देखिए एक हम हरी मिर्च ले लिए हैं रेड कलर का, तो हम इसको भी डाल देंगे। और अब हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, थोड़ा सा गैस हम हाई कर लेंगे और अब हम अच्छे से इसको हम चला लेंगे। तो यहाँ पे हम गैस को हाई कर लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इसको हमको भूनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मसाला सब है वो हम अच्छे से पहले ही हम भून लिए हैं। तो अब इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम पानी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए जो मसाला हम पीसे थे, तो हम उसका ही पानी इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम पानी ऐड कर दिए हैं,
तो पानी आप अपने हिसाब से डालिएगा, जितना आपको ग्रेवी रखना होगा, ज़्यादा थिक या ज़्यादा पतला, तो आप उस हिसाब से रखिएगा। यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी और ऐड कर देंगे, हम थोड़ा सा पानी, यहाँ पे हम 1.5 गिलास पानी इस्तेमाल किए हैं। तो अब चलिए, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो इसको हम कम से कम, तो यहाँ पे हम 5 मिनट के लिए यहाँ पे हम इसको खोलने देंगे। तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं 5 मिनट हो चुका है और यहाँ पे देखिए मेरा सब्जी बिल्कुल खोल चुका है, यहाँ पे इसका ग्रेवी देखिए। तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हो गया है। तो अब यहाँ पे हम गैस कर लेंगे बंद। तो चलिए हम आपको सर्व करके दिखाते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बाउल ले लिए हैं। तो अब यहाँ पे देखिए सब्जी जो है वो बिल्कुल मेरा ठीक हो चुका है। तो अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे सर्व कर लेंगे। तो देखिए कितना सुंदर और कितना बढ़िया यहाँ पे सब्जी बनके तैयार हो चुका है। तो आज हम क्या बनाए हैं आप लोग के लिए, तो आज हम बनाए हैं निमोना। तो सर्दी के मौसम में निमोना बहुत ही अच्छा लगता है और आजकल बहुत ज़्यादा हरा हरा मटर मार्केट में है, तो हम सोचे आप लोग के लिए आज हम निमोना बनाएं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आप लोग के लिए निमोना बनके तैयार हो चुका है कुछ इस तरह से। तो देखिए इसका ग्रेवी कितना थिक है, और ये ग्रेवी आप अपने हिसाब से रखिएगा, हम यहाँ इस तरह से रखे हैं। तो यहाँ पे कितना सुंदर लग रहा है, ग्रीन ग्रीन। यहाँ पे देखिए आप लोग के लिए निमोना बनके तैयार है, हरे मटर की निमोना। तो इस तरह से आप ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी बनता है, खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। आप चावल के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगा। गरम गरम निमोना आप लोग के लिए तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स इस तरह से इसमें देखिए ज़्यादा कुछ मसाला नहीं पड़ता है, बहुत ही आसान तरीके से बनाए हैं। यूपी और बिहार का नमूना आज हम निमोना बना के आप लोग के लिए सर्व किए हैं। तो आप लोग ज़रूर इस तरह से बनाइएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट करिएगा और जितना हो सके उतना शेयर करिए। और हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो इस तरह से देखिए आप लोग के लिए निमोना बना के तैयार किए हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टिक के बाय बाय।